Hello children welcome back to SS knowledge basket as you can see we have already completed our previous chapter that is chapter number 7 around delhi which comes in metropolitan city and today we will discuss about another metropolitan city which is mumbai and this is chapter 8 of your book my mumbai

मुंबई के वर्ली एरिया में रहती है और वो अपने फ्लैट के बैल्कनी से बाहर देख रही थी द सिटीज आर सो सिमिलर शी थॉट टू हर सेल्फ एज शी रिमेम्बर्ड हर हॉलीडे इन डेली डेली में अपनी छुट्टियों को याद करते हुए उसने मन ही मन सोचा कि सारे शहर एक जैसे ही हैं चाहे वो डेली हो या मुंबई दे हैव द सेम हसल एंड बसल और वो ये भी सोचती है कि सभी शहरों में समान चहल पहल और भीड़ भाड़ है एवरीबडी सीम्स टू बी इन अ हरी टू गेट समवेयर किसी के पास भी समय नहीं है हर कोई कहीं ना कहीं पहुंचने की जल्दी में होता है द रोड्स आर फुल ऑफ ट्रैफिक हर किसी को कहीं ना कहीं जाना है इस कारण सड़कें जो हैं ट्रैफिक से भरी हुई हैं देर आर ऑल काइंड ऑफ प्लेसेस टू विजिट फूड टू ईट एंड पीपल टू मीट यहाँ खाने के लिए घूमने के लिए और लोगों से मिलने के लिए हर तरह की जगहें हैं देन शी शूक हर हेड एट द सेम टाइम दे आर सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर फिर वो अपना सर हिलाते हुए सोचती है कि शहर एक जैसे होते हुए भी वे एक दूसरे से कितने अलग हैं द क्लाइमेट इज डिफरेंट क्लाइमेट अलग है मुंबई इज़ बाय सी डेली इज़ बाय द रिवर यमुना मुंबई समुद्र के किनारे है तो डेली यमुना नदी के किनारे है पीपल हियर स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एंड यट ऑल ऑफ अस आर इंडियंस यहाँ के लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं और अलग अलग तरह का खाना खाते हैं फिर भी हम भारतीय हैं शी थाट अबाउट अ फ्रीज दैट शी हैड रीड यूनिटी इन डाइवर्सिटी तभी निशा एक फ्रेज़ के बारे में सोचती है जिसे उसने पढ़ा था विविधता में एकता यानी कि अलग अलग होने पर भी एक होना और भारत इसका एक बेहतर एग्जाम्पल है यहाँ भारत में अलग अलग धर्म जाति और भाषा होने के बावजूद भी हम सब एक हैं बच्चों चाहे हम दिल्ली शहर के हों मुंबई के हों या भारत के किसी भी शहर के बस हमें ये याद रखना है कि हम सब भारतीय हैं निशा लुक्ड एट द स्क्रैप बुक ऑन डेली एंड रिमेम्बर्ड हाउ हर कजन्स हैड शोन हर अराउंड द सिटी निशा ने डेली में जो स्क्रैप बुक बनाया था उसे देखते हुए याद करती है कि कैसे उसके कज़न मिली और जॉय ने उसे अपना शहर दिल्ली घुमाया था शी wanted टू टेल देम अबाउट मुंबई टू अब निशा भी उन्हें अपने शहर मुंबई के बारे में बताना चाहती थी मुंबई इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया आखिरकार मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है शी jumped एट द idea एंड स्टार्टेड राइटिंग टू हर cousins। निशा अपने इस आइडिया के बारे में सोचकर काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है और अपने कजन्स को मुंबई के बारे में बताते हुए लिखना शुरू कर देती है वुड यू लाइक टू नो मोर अबाउट मुंबई टू क्या आप भी मुंबई के बारे में और जानना चाहेंगे बच्चों हम इस इंडिया के मैप में मुंबई के लोकेशन को देखते हैं जो ये सारा का सारा जो रेड रीजन है ये हमारा महाराष्ट्र स्टेट है और मुंबई जो है वो महाराष्ट्र की कैपिटल है और इसका फेसिंग किस डायरेक्शन में है बच्चों वेस्ट डायरेक्शन में और ये इसका फेसिंग अरेबियन सी के तरफ है तो चलिए हम अपने चैप्टर्स को कंटिन्यू करते हैं क्लाइमेट इट ड्रेजल्स इट रेन्स इट पोर्स रिमेंबर हाउ कोल्ड निशा फेल्ट ड्यूरिंग हर विज़िट टू डेली बच्चों याद करो कि डेली की अपनी यात्रा के दौरान निशा को कितनी ठंड महसूस हुई थी वेल इवन मुंबई हैज़ इट्स ओन स्पेशल वेदर फीचर्स और खैर मुंबई की मौसम की अपनी अलग विशेषताएँ हैं इट हैज़ अ मॉडरेट क्लाइमेट यहाँ का मौसम मॉडरेट यानी कि माइल्ड है यहाँ का क्लाइमेट ना तो ज़्यादा गर्म होता है और ना ही ज़्यादा ठंडा एज इट इज ऑन द कोस्ट ऑफ द अरेबियन सी द सी मेक्स द वेदर इन मुंबई वेरी ह्यूमिड मोस्ट ऑफ द ईयर मुंबई जो है वो अरेबियन सी के किनारे बसा हुआ है इस कारण सी जो है वो मुंबई में साल भर के अधिकतर समय को बहुत नमी वाला बना देता है ह्यूमिड मीन्स बच्चों नमी वाला वेदर फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर देर इज अ अवी रेनफॉल जून से सेप्टेंबर तक यहाँ भारी वर्षा होती है एट टाइम्स द रेन वाटर राइजेज अप टू नी लेवल और इवन हाइय और बच्चों मुंबई में कई बार तो इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि पानी घुटने तक या इससे भी ऊपर बढ़ जाता है बिटवीन नवम्बर एंड फेबरवरी इट इज़ कूल एंड प्लेजेंट नवम्बर और फेबरवरी के बीच यहाँ का क्लाइमेट ठंडा और सुखद होता है लुक एट द मैप एंड अंडरलाइन द करेक्ट आंसर मैप को बच्चों आप देखिए और अंडरलाइन तो हम कर नहीं सकते हैं तो आप मुझे इसका आंसर बताइए मुंबई लाइज ऑन द वेस्ट और ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया मुंबई जो है बच्चों वो भारत के वेस्ट या ईस्ट कोस्ट पर स्थित है तो इसका आंसर है वेस्ट कोस्ट द हिस्ट्री ऑफ मुंबई बच्चों इस टॉपिक में हम मुंबई के पास्ट को पढ़ेंगे मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र मुंबई जो है महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है लॉन्ग अगो इट वॉज मेड ऑफ सेवन आईलैंड विच वर फुल ऑफ मार्शी फॉरेस्ट एंड स्मॉल फिशिंग विलेजेस ऑफ द कोली पीपल बहुत पहले ये सात आइलैंड से बना था बच्चों हमने चैप्टर फाइव में आइलैंड्स के बारे में पढ़ा था आइलैंड्स वो एरिया होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो और ये जो सारे आइलैंड जो थे वो कैसे थे बच्चों मार्शी फॉरेस्ट यानी कि दलदल वाले जंगलों और कोली लोगों के मछली पकड़ने वाले छोटे छोटे गाँव से भरे हुए थे द प्लेस वॉज नेम्ड आफ्टर द लोकल गॉडेस मुंबा देवी इस जगह का नाम वहाँ की स्थानीय देवी मुंबा देवी के नाम पर रखा गया था एट दैट टाइम द प्लेस हैड नो बसेस नो ट्रेन नो बिग बिल्डिंग्स एंड हार्डली एनी पीपल उस समय यहाँ इस आइलैंड्स पर ना तो बसें थीं ना ट्रेन थे ना बड़ी बड़ी इमारतें और शायद ही कोई लोग यहाँ रहते थे अराउंड फिफ्टीन थर्टी फोर सेलर्स फ्रॉम पोर्टुगल अराइव्ड हियर 1534 के आसपास पुर्तगाल से सेलर्स यहाँ पहुँचे बच्चों हमने पहले के चैप्टर्स में सेलर्स के बारे में भी पढ़ा है कि ये वो लोग होते हैं जो कई कई दिनों महीनों तक समुद्र में यात्रा करते हैं दे फाउंड आउट दैट इट वॉज़ अ गुड प्लेस फॉर शिप्स टू स्टॉप लोड एंड अनलोड गुड्स जब वो सेलर्स इन आइलैंड्स पर पहुँचे तो उन्होंने पाया कि ये तो काफ़ी अच्छी जगह है अपने शिप्स को रोकने के लिए सामान भरने और उतारने के लिए बच्चों सेलर्स कई कई दिनों तक समुद्र में यात्रा करते रहते हैं तो उन्हें भी अपने शिप्स की मरम्मत के लिए और आगे के सफ़र के लिए खाना भी स्टोर करना पड़ता है इस कारण उन्हें ये आइलैंड काफ़ी पसंद आया दे नेम्ड इट बॉम्बे और गुड बे उन सेलर्स ने इसे बॉम्बे या गुड बे का नाम दिया बच्चों बे का मतलब है ऐसा वाटर बॉडी जो कर्ड शेप में हो और वो तीन तरफ से लैंड से घिरा हो और एक तरफ समुद्र से मिलता हो ग्रेजुअली ओवर द ईयर्स मेनी इंडस्ट्रीज डेवलप्ड इन बॉम्बे धीरे धीरे कई वर्षों में बॉम्बे में कई इंडस्ट्रीज डेवलप हुई इट बिकेम द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र इन नाइनटीन और यह 1960 में महाराष्ट्र की राजधानी बन गई इन 1995 बॉम्बे वाज रीनेम्ड मुंबई 1995 में बॉम्बे का नाम बदलकर मुंबई कर दिया गया

बिल्डिंग्स ऑफ मुंबई इज ऑल्सो वन ऑफ द इंडियाज़ बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन नेम्ड द छत्रपति शिवाजी टर्मिनस वैसे तो मुंबई में काफ़ी ऊंची-ऊंची और सुंदर बिल्डिंग्स देखने को मिलते हैं उन्हीं बिल्डिंग्स में से वहाँ का सबसे ग्रैंड यानी कि भव्य विशाल बिल्डिंग इंडिया के सबसे बिजी रेलवे स्टेशन में से एक है जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस लोकल ट्रेन कनेक्ट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस बिग सिटी लोकल ट्रेन इस बड़े शहर के अलग अलग एरिया को जोड़ती है यहाँ मुंबई में बच्चों लोकल ट्रेन को मुंबई का लाइफ लाइन कहा जाता है क्योंकि हजारों लोग डेली इस ट्रेन को यूज़ करते हैं ऑफिस जाने के लिए स्कूल कॉलेज जाने के लिए और बाय चांस किसी कारण ये लोकल ट्रेन सर्विस रुक जाती है तो पूरी मुंबई अस्त व्यस्त हो जाती है बसेस आर कॉमन मीन्स ऑफ ट्रैवल यहाँ काफी लोग ट्रैवल करने के लिए बसों का यूज करते हैं ये काफी कॉमन मीन्स ऑफ ट्रैवल है यहाँ सम ऑफ द बसेस आर इवन डबल डेकर और हैव टू स्टोरीज मुंबई में कुछ बसें डबल टेकर यानी कि दो मंजिला हैं द शहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन मुंबई इज़ वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स इन इंडिया मुंबई का शहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया के सबसे बिजी एयरपोर्ट्स में से एक है बच्चों 1999 में इस एयरपोर्ट का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया गेट वे ऑफ इंडिया बच्चों जैसा हमने डेली चैप्टर में देखा था कि निशा को इंडिया गेट देखकर गेटवे गेट वे ऑफ इंडिया की याद आ गई थी तो चलिए हम गिस्ेट वे ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ते हैं वेन एवर निशा सेट्स आउट सिटी हॉपिंग शी लव्स टू स्टार्ट हर ट्रिप फ्रॉम द गेट वे ऑफ इंडिया निशा जब भी मुंबई शहर घूमने निकलती है तो उसे गेट वे ऑफ इंडिया से अपनी यात्रा शुरू करना अच्छा लगता है तो गे ग्रैंड गेट वॉज बुल्ड टू सेलिब्रेट द विजिट ऑफ ब्रिटिश किंग जॉर्ज फाइव एंड क्वीन मेरी इन 1911। इलेवन जब ये गेट बनाया गया था बच्चों उस समय इंडिया पर अंग्रेजों का राज था और नाइनटीन इलेवन में ब्रिटिश राजा जॉर्ज फाइव और रानी मेरी पहली बार इंडिया आ रहे थे तब उनके आने की याद में इस ग्रैंड गेट का निर्माण किया गया था इट हैज़ फोर टावर्स एंड ब्यूटिफुल स्टोन कार्विंग्स इसमें चार टावर्स हैं और उनके पत्थरों पर सुंदर नक्काशी की गई है बिहाइंड द आर्क देर आर स्टेप्स लीडिंग डाउन टू द सी। और गेट वे ऑफ इंडिया के जस्ट पीछे सीढ़ियाँ हैं जो समुद्र की ओर जाती हैं ही कैन गेट ऑन टू लिटिल मोटर बोट्स एंड सेल थ्रू मुंबईज स्पलेंडेड नेचुरल हार्बर बच्चों हार्बर का मतलब है सी के किनारे ऐसी जगह जहाँ बोट्स या शिप्स को रखा जाता है कोई भी गेटवे ऑफ इंडिया के पास से मोटर बोट्स लेकर समुद्र में घूम सकता है और मुंबई के शानदार नेचुरल हार्बर्स को भी देख सकता है मरीन ड्राइव एंड बीचेस मुंबई हैज नेकलेस मच लाइक अ क्वींस गोल्ड नेकलेस दैट ग्लीटर्स एट नाइट क्या आप जानते हैं कि मुंबई में एक हार है बिल्कुल एक रानी के सोने की हार की तरह जो रात में चमकता है यस इट इज द ब्यूटीफुल रोड ऑफ मरीन ड्राइव जी हाँ यह है मरीन ड्राइव की खूबसूरत रोड द रोड कर्ब्स अराउंड द कोस्ट लाइन मरीन ड्राइव की रोड जो है वो कोस्ट लाइन के चारों ओर कर्व जैसी है एट नाइट वन द लाइट्स ऑफ द बिल्डिंग्स विच लाइन द रोड लाइट अप इट लुक्स लाइक अ ब्राइट स्पार्कलिंग नेकलेस। रात के समय जब रोड साइड के बिल्डिंग्स में लाइट जलती है तो यह एक चमकीला जगमगाता हुआ हार जैसा दिखता है बच्चों क्या आप जानते हैं मरीन ड्राइव को क्वींस नेकलेस भी कहा जाता है तो अभी हम इस इमेज में देखेंगे जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं कि जो रोड है वो कोस्ट लाइन के चारों ओर कर्व जैसी है और ये जो लाइट्स हैं ये मरीन ड्राइव्स के साइड में रोड साइड में जो बिल्डिंग्स हैं उसमें जब रात को लाइट जलती हैं तो ये एकदम दूर से रानी के हाथ जैसा दिखाई देता है एकदम क्वींस नेकलेस जैसा बींग नियर द कोस्ट मुंबई हैज़ सम वंडरफुल बीचेस कोस्ट के नज़दीक होने के कारण यहाँ मुंबई में कुछ बहुत ही वंडरफुल बीचेस हैं चौपाटी जूहू एंड वर्सोआ आर अमंग द मोस्ट फेमस जूहू चौपाटी और वर्सोआ सबसे फेमस सी बीचेस हैं हियर पीपल कैन स्पेंड टाइम ईटिंग एंड वॉचिंग द सनसेट और यहाँ बीचेस पे लोग खाना खाते हैं सनसेट देखते हैं और अपना समय बिताते हैं There are food stalls selling mouth-watering vada pav, a potato and a bread preparation, spicy bhel puri made of puffed rice and sev, varan bhath, a simple but delicious meal of dal and rice with ghee, pav bhaji, a bread eaten along with a vegetable gravy preparation that is popular all over India, and. द डिलीशियस डेजर्ट श्रीखंड यहाँ खाने पीने के बहुत सारे स्टॉल्स हैं और वो इतने टेस्टी स्नैक्स बनाते हैं कि उन्हें देखकर ही मुंह में पानी आ जाता है जैसे वड़ा पाव जो कि आलू और ब्रेड से बना होता है मुरमुरे और नमकीन वाली सेव से बनी चटपटी भेलपूरी वरन भात घी के साथ दाल और चावल का एक सिंपल डिश है लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी होता है पाव भाजी जिसे तो हम सभी जानते हैं ये पूरे इंडिया में काफ़ी पॉपुलर डिश है जिसमें सब्जी की ग्रेवी बनाकर पाव ब्रेड से खाया जाता है यहाँ मुंबई में मीठे में लोग स्वादिष्ट श्रीखंड खाना पसंद करते हैं सो मच मोर ओवर लुकिंग द चौपाटी बीच इज द कमला नेहरू पार्क चौपाटी बीच के सामने कमला नेहरू पार्क है हीयर यू कैन क्लाइम अप अूज बूट दैट विल रिमाइंड यू ऑफ द नर्सरी राइम अबाउट द ओल्ड उमेन हु लिव्ड इन अ शू यहाँ इस पार्क में आप एक बहुत बड़े से बूट पर चढ़ सकते हैं जो आपको उस बूढ़ी औरत के बारे में याद दिलाएगा जिसे आपने नर्सरी राइम्स में पढ़ा होगा जो एक जूते में रहती थी नियर बाई इज हैंगिंग गार्डन और द फिरोशा मेहता गार्डन कमला नेहरू पार्क के पास में ही हैंगिंग गार्डन है जिसे फिरोशा मेहता गार्डन के नाम से भी जाना जाता है प्लांट्स ट्रिम्ड इन द शेप ऑफ एनिमल्स आर अ स्पेशल साइट इन दिस गार्डन इस गार्डन का विशेष आकर्षण है जानवरों के शेप में कटी खूबसूरत झाड़ियाँ या प्लांट जो सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं तो बच्चों हम यहाँ देखेंगे ये यह जो है कमला नेहरू पार्क में बना हुआ बूट हाउस है और साथ ही साथ इस इमेज में हम देखेंगे हैंगिंग गार्डन को जहाँ आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे एनिमल्स के शेप्स में यहाँ झाड़ियाँ कटी हुई हैं द नेहरू साइंस सेंटर एंड प्लानीटेरियम इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस वेयर यू कैन लर्न अबाउट द प्लान्स एंड स्टार्स यहाँ मुंबई में नेहरू साइंस सेंटर और तारामंडल एक बहुत ही दिलचस्प जगह है जहाँ आप प्लैनेट्स और स्टार्स के बारे में सीखते हैं और वहाँ आप उसके बारे में और ज़्यादा जान सकते हैं There are special telescopes that are used to watch space objects. यहाँ विशेष दूरबीने हैं जिनका उपयोग स्पेस के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए किया जाता है इट ऑल्सो हैज एन ओल्ड रेलवे इंजन एंड अ ट्राम कार और यहाँ एक पुराना रेलवे इंजन और एक ट्राम कार भी है डिफरेंट पीपल डिफरेंट वेज

मराठी कोंकणी, हिंदी इंग्लिश और लगभग सभी भारतीय भाषाओं को लोगों द्वारा आपस में बात करते हुए सुन सकते हैं गणेश चतुर्थी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल इन मुंबई गणेश चतुर्थी मुंबई में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेस्टिवल है यहाँ के लोग इसे बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं बच्चों पीपल सेलिब्रेट ऑल अदर फेस्टिवल्स इन अ स्पेशल वे गणेश चतुर्थी के साथ साथ यहाँ दूसरे सभी फेस्टिवल्स को भी लोग बहुत खास अंदाज से मनाते हैं मुंबई हैज़ मेनी बिग ऑफिस वेयर अ लॉट ऑफ पीपल वर्क बच्चों मुंबई जो है वो बहुत बड़ी सिटी है इस कारण यहाँ बहुत सारे ऑफिस हैं जहाँ बहुत सारे लोग काम करते हैं द सी इज अवज सोर्स ऑफ ऑयल बच्चों क्या आप जानते हो कि सी जो है वो ऑयल का बहुत बड़ा सोर्स है पेट्रोल डीजल ये सारे ऑयल्स हमें सी से ही मिलता है द प्लेस वेयर द ऑयल फील्ड्स आर लोकेटेड इज कॉल्ड द बॉम्बे हाई मुंबई के नज़दीक अरेबियन सी में जिस जगह पर इंडिया का ऑयल एरिया है ऑयल फील्ड है उसे बॉम्बे हाई कहा जाता है देयर आर मैनी फैक्ट्रीज इन एंड अराउंड मुंबई मुंबई और उसके आसपास कई फैक्ट्रीज हैं द क्लॉथ इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ देयर कपड़ा बनाने वाली इंडस्ट्री यहाँ की सबसे इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ में से एक है बच्चों इस इमेज में आप देख रहे हैं जो ऊपर वाला इंडिया का मैप है वहाँ ऑरेंज कलर का जो सर्कल बना हुआ है जो स्पॉट है वो हमारा बॉम्बे हाई वाला प्लेस है वो हमारा ऑयल फील्ड है और उसी ऑयल फील्ड का जो एरिया है वहाँ नीचे वाला जो इमेज है वहाँ इस तरह का ऑयल फील्ड ऑयल को पेट्रोल और डीजल को निकालने के लिए इस तरह की मशीनरी के साथ इसे सेटअप किया गया है तो आप उसका लोकेशन ऑयल फील्ड का लोकेशन ऊपर वाले मैप में देखिए और वहाँ किस तरह का सेटअप किया गया है ऑयल निकालने के लिए ये आपको इस नीचे वाले इमेज से पता चल जाएगा तो चलिए बच्चों ग्रीन बॉक्स में दिए गए नाउ यू आर टॉकिंग को पढ़ते हैं मिली टोल्ड निशा दैट स्कूल चिल्ड्रन इन डेली हेल्प इन कीपिंग द यमुना रिवर क्लीन मिली ने निशा से कहा कि डेली में स्कूल के जो बच्चे हैं यमुना नदी को साफ रखने में मदद करते हैं निशा थॉट दैट इट वॉज अ नाइस थिंग टू डू निशा ने भी सोचा कि ये अच्छा काम है इन मुंबई टू पीपल ट्राई टू कीप द बीच क्लीन मुंबई में भी लोग सी बीच को साफ रखने की कोशिश करते हैं वॉट कैन यू डू टू कीप योर सिटी ग्रीन एंड क्लीन तो बच्चों आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप अपने शहर को हरा भरा और साफ रखने के लिए क्या कर सकते हैं तो चलिए बच्चों ब्लू बॉक्स में दिए गए इस फैक्ट को पढ़ते हैं मुंबई इज़ होम टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फिल्म इंडस्ट्री बच्चों हम तो ये जानते ही हैं कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मूवीज़ हमारे कंट्री में ही बनाया जाता है इस कारण मुंबई जो है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री का घर है इफ़ यू आर लकी यू मे सडनली सी अ फेमस फिल्म स्टार ईटिंग मील एट योर फेवरेट रेस्टोरेंट मान लीजिए कि आप मुंबई में कहीं बाहर निकलें और उस दिन अगर आपका लकी डे हो तो आप अचानक एक फेमस फिल्म स्टार को अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए भी देख सकते हैं यू मे इवन वॉज द शूटिंग ऑफ अ फिल्म यहाँ मुंबई के किसी ना किसी एरिया में फिल्म की शूटिंग होती रहती है और हो सकता है कि आपको वो शूटिंग देखने का मौका भी मिल जाए द फिल्म इंडस्ट्री इज कॉल्ड बॉलीवुड मुंबई के फिल्म इंडस्ट्री को बॉलीवुड कहा जाता है मुंबई एन इम्पॉर्टेंट प्लेस मुंबई इज वन ऑफ द फोर मेट्रोपॉलिटन सिटीज ऑफ इंडिया मुंबई भारत के चार महानगरों में से एक है इट इज़ नोन एज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया एज मैनी फैक्ट्रीज बैंक एंड अदर इम्पॉर्टेंट ऑफिस आर लोकेटेड हियर. बच्चों फाइनेंशियल का मतलब है पैसों का लेन देन मुंबई भारत की वित्तीय राजधानी यानी कि फाइनेंशियल कैपिटल के रूप में जानी जाती है क्योंकि तो यहाँ कई फैक्ट्रीज बैंक्स और अन्य दूसरे इम्पोर्टेंट ऑफिस हैं इट ऑफर्स मेनी बिजनेस एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज ये हमें कई बिजनेस और नौकरियों के अवसर प्रदान करता है इट इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पोर्ट मुंबई एक इम्पोर्टेंट बंदरगाह यानी कि पोर्ट भी है गुड्स आर सेंट टू अदर कंट्रीज फ्रॉम हियर इन शिप्स यहाँ से जहाजों के जरिए दूसरे देशों में सामान भेजा जाता है शिप्स ऑल्सो ब्रिंक गुड्स फ्राम अदर कंट्रीज टू द मुंबई पोर्ट और जहाज दूसरे देशों से भी मुंबई पोर्ट पर सामान लेकर आते हैं बींग द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र मुंबई हैज़ इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिस महाराष्ट्र की राजधानी होने के कारण यहाँ मुंबई में कई इम्पॉर्टेंट सरकारी ऑफिसज हैं द गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र स्टे हियर यहाँ मुंबई में महाराष्ट्र के राज्यपाल और मुख्यमंत्री रहते हैं सो माई डियर चिल्ड्रन हियर वी हैव कम्प्लीटेड आर चैप्टर थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो ब बाय